नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के दो जिलों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप लोगों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी के काला जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिले के 7 स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यह है, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 7 सितंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करते हो तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। व्याख्याता वाणिज्य के टोटल 5 पद पर भर्ती किया जाएगा। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। व्याख्याता के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में, संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। इसी प्रकार व्यायाम शिक्षक के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के टोटल 7 पद पर भर्ती किया जाना है और सहायक शिक्षक कला के टोटल 8 पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ, इसी के साथ डीएड या फिर डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो सहायक शिक्षक को जो प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये दिया जाएगा और व्याख्याता को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हेतु दिशा निर्देश पढ़ सकते हो, जो आप लोग को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पदों के लिए साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 7 सितंबर 2022 को प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक। पंजीयन किया जाएगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। पात्र पात्र सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 2 बजे से 4 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और 5 बजे अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, उसी दिन आप लोगों का जो पात्र पात्र सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, आप लोगों का चयन भी कर दिया जाएगा, आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इन पदों के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष। आयु की गणना किया जाएगा 1 जनवरी 2022 की तिथि में किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा जिला चिकित्सालय के कक्ष क्रमांक 108 में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन सा पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। चिकित्सा अधिकारी के टोटल 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। और आप लोग यहां पर अन्य योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिटेल से यहां पर जानकारी दिया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और डिटेल से इन विज्ञापनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।